शुक्ला बता रहा था क्वेश्चंस पेपर बेच रहे थे सर। अरे नहीं, गलत सुना है आपने सर, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कुछ तो किया होगा ना इन्होंने, तभी तो पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। अरे बाबा, बाबा बाबा पापा, क्या हुआ पापा, क्यों ले जा रहे हैं आपको? पापा बोलो तो, कुछ तो बोलो पापा प्लीज। अरे कुणाल जी, पापा कहाँ ले जा रहे हो? दीदी बताओ, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ बताओ ना, दीदी देखो ना, दीदी बताओ क्या हुआ, दीदी क्या, दीदी मतलब क्या, जिस तरह से तुम दिखते हो, तुम जिस तरह से मतलब अपने आप को रखते हो इस मोर। अरे चाची जी, क्या हुआ? लगता है हो गया है काम। दर्शन का फोन था, कह रहा था इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाचा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? अरे लेकिन पुलिस देव को क्यों, मतलब ऐसा तो क्या किया है देव ने? इसकी वजह से, इसकी वजह से सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। हाँ तो को बता। क्या देख तुकू, तू मजाक करना बंद कर वरना फोन में घुस के तुझे मारेंगे बाय गॉड। कुणाल जी जो पकड़ने आए थे हम, हाँ ठीक है हम पता करते। पापा कुछ बोलिए ना, क्यों झूठा है सब अपने सर पे ले रहे पापा? आप जानते हो रमा कांत ने सब किया है, तो क्यों नहीं बोलते पापा प्लीज? पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है? पापा बोलिए ना, पापा प्लीज कुछ बोलिए ना। पापा हम आपको ऐसे नहीं देख सकते प्लीज। कुणाल जी, कुणाल जी जो आप पापा को जानते हैं, आप जानते हो ऐसे कभी नहीं करेंगे, तो प्लीज आप कुछ कीजिए ना। अब अंकल जी ने खुद ही सबके सामने कबूलनामा कर लिया, अब क्या बोले? अब यहाँ पे आके शांत बैठ गए। हम जानते हो किसी के दबाव में आके ये सब कर रहे हैं, प्लीज कुणाल जी जो आप कुछ कीजिए प्लीज। जीजू, अपने अंकल जी को अरेस्ट क्यों किया? तुम ठीक हो? मतलब अंकल जी ठीक है ना? देखो देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस आदमी ने हमें जिंदगी भर उसूलों पे चलना सिखाया हो, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? देखो दीपिका, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। चीचू क्यों अरेस्ट किया? कहा बताए साले साहब, स्कूल के पेपर बेच रहे थे। इतना संगीन अपराध किया है, हम तो यार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और का। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते पीयूष जी, आप जानते हो
वो ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज कीजिए। अंकल जी कुणाल जी, ये देव के बेल के पेपर्स हमारे दोस्त एडवोकेट गांधी ने करवाया है। ये अंकल जी आप जा सकते हैं, आपकी जमानत हो गई है। पापा पापा चलिए ना, हम घर जा सकते हैं, चलिए आइए आइए पापा उठिए। छोटे दीपिका देखो, अभी सिर्फ जमानत हुई है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, हमें इस केस अभी अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। एक बार कीजिए कुणाल जी, अच्छी तरह जांच कीजिए, बहुत बारीकी से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पापा बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। चल छोटे। ये सब हमारे वजह से हुआ ना, हम बुआ को उकसाते दहेज मांगने के लिए, और ना ही अंकल जी मजबूर होते क्वेश्चन पेपर बेच के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। हे भोले माफ करना हमें, ये बात बाबूजी को पता चलेगी तो कुछ तो अपने सफाई में उन्होंने बोला होगा, ऐसे चुपचाप कैसे खड़े रह सकते हो। वो शुक्ला अंकल कह रहे थे कि उन्होंने एक शब्द, अरे हम कह रहे हैं जो चुप रहते हैं ना उन्हीं के कबूतर काले होते हैं। भैया हम कह रहे जरूर कुछ ना कुछ कांड तो किया ही होगा। हम नहीं जी जी समझी जी, ऐसे नहीं है, जरूर कोई सदमा लगा होगा इसलिए कुछ बोल नहीं पाए होंगे। मम्मी आ गए ये लोग, क्या हुआ पीयूष, सब ठीक है ना, अंकल जी ठीक है ना? परिस्थिति तो बेहद गंभीर है, मतलब बेल तो हो गई है लेकिन। अरे भैया हम कह रहे हैं गलत घर में रिश्ता जोड़ रहे हैं। अरे सोचो जहाँ लड़की का बाप ऐसे काले कर्म करते हुए पकड़ा जाए उस घर में रिश्ता करने से तो। जी जो भी हुआ है ना वो प्रिंसिपल साहब से हुआ है, इसमें दीपिका का फॉल्ट है, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, वो साबित नहीं हुआ है, तो हमारे हिसाब से दीपिका को इस मामले से दूर ही रखना चाहिए। अरे प्रताप बाबू समाज से दूर तो नहीं रह सकते ना, अभी सोचो है कल को ऐसे घिरे हुए आदमी का हमारे भैया को कोई समधी बोलेगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या, बोलो। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि समधी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो ऐसा गलत काम करने के लिए राजी हो गए। सासू माँ अब चिंता मत कीजिए, हम हर सच्चाई का पता लगा के रखेंगे, इस मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं सारी की सारी चाल रमाकांत की, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा क्यों चुप बैठे, क्यों चुप है पापा, कुछ बोलिए ना पापा, बोलिए ना सच क्या है। अरे कोई सूरजकांत का फोन है, वो ट्रस्टी है स्कूल के, उन्हें पता चल गया होगा। पापा आपकी नौकरी का सवाल है, अभी तो कुछ बोलिए प्लीज। अरे दीपू बेटा छोटे ऐसी हालत में बात नहीं कर सकता, तू खुद बात कर ले। नमस्ते अंकल जी, हम दीपिका बोल रहे हैं। बेटा ये क्या सुन रहे हैं हम, मिश्रा जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी? नहीं अंकल जी वो बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, अब बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। सब ठीक हो जाए तो अच्छा है, अब स्कूल की बदनामी होगी तो छींटे हम पर भी उड़ेंगे। नहीं अंकल जी आप तो पापा को जानते हैं, वो गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। हाँ जानते हैं बेटा, पर अखबार में प्रिंसिपल के जेल जाने की बात छपती है तो साथ में ये भी छपना चाहिए कि उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कहना क्या चाहते हैं आप? बेटा अब तुम समझदार हो, हम मिश्रा जी को आज और अभी से प्रिंसिपल पद से बर्खास्त कर रहे हैं।